डियर स्टूडेंट टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यूनिट सेकेंड एंड दिस इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज वैंड चार्ज इज एट मोशन मीनस इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ चार्ज वैंड चार्ज इज एट मोशन मीन स्टूडेंट इस यूनिट में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज मूव कर रहा होगा मीन्स हम इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स को पढ़ेंगे रजिस्टर को पढ़ेंगे पोटेंशियल को पढ़ेंगे रजिस्टेंस करंट uh, और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है उसे पढ़ेंगे फिर हम किचाप्स लॉ एंड मीनी मोर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स जो हमारे चार्ज के मोशन पे वेस्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है तो करंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स करेंट मीन्स फ्लो किसी चीज़ का फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं करंट करंट का जो मीनिंग होता है होता है फ्लो इट मीन्स डेंट ये कोई भी चीज़ अगर फ्लो होने के लिए फ़्लो होने का मतलब कि अगर हम बात करें हमारे पास वाटर को अगर हमें फ़्लो कराना है तो वाटर को फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं एक हाइट मेंटेन करते हैं कि हम अगर वाटर को एक हाइट दे रहे हैं सपोज यहाँ पे हमने वाटर को रख दिया या कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दिया और फिर इसे हम शिफ्ट करें तो क्या होगा ये अपर हाइट से अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ क्या होगा फ्लो होगा मूव करेगा ठीक ऐसे ही अगर हम वाटर को रखें तो वाटर भी क्या होगा अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ इट मीन्स अगर हाइट ज़्यादा है तो इट मीन्स इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कोई भी बॉडी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है और इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कि चार्ज अगर चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है चार्ज हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है या चार्ज के फ्लो होने को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं तो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में से डिफाइन कर सकते हैं सो राइटर हेडिंग इन योर कॉपी इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट स्टैंड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और हम बोल सकते हैं चार्ज कैरियर्स चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट वेरी सिंपल करेंट का मतलब होता है फ्लो एंड इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज का फ्लो ओके okay? अब करेंट इलेक्ट्रिक करेंट का स्ट्रेंथ कितना होगा कैसे हम जानेंगे किसी सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है या कम करंट फ्लो हो रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है कम इसको डिफाइन करने के लिए हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट स्ट्रेंथ ऑफ करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं दिस आई को हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन एरिया और एनी क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इन यूनिट टाइम्स इट मीन स्टेंड कि कोई भी अगर हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट टाइम में कितना फ्लो होगा इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर वन सेकेंड में वन सेकेंड में वन कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे वन कुलाम चार्ज इफ वन कुलाम चार्ज इज फ्लोइंग इन अ क्रॉस सेक्शन इन वन सेकेंड दिस इज नोन एज द वन एम्पियर इसे हम बोलते हैं वन एम्पियर वन एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेन द यूनिट ऑफ जो इसका यूनिट होता है बच्चों यूनिट ऑफ करेंट यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और इस एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं एम्पियर मीन्स वन सेकेंड में वन गुलाम चार्ज फ्लो होना ही क्या कहलाता है एम्पियर कहलाता है एम्पियर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं इफ इफ इन अ सर्किट इफ इन अ सर्किट वन कुलम इफ इन अ सर्किट वन कुलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड वन कुलाम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड वन सेकेंड देन इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ करेंट इज वन एम्पियर इज वन एम्पियर मीन्स वन एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं वन कुलाम चार्ज वन सेकेंड मगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है या कहीं पे भी वन गुलाम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे वन एम करंट फ्लो हो रहा है मीन्स स्टूडेंट करंट क्या होता है करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते है? या हैं या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं करंट का मतलब होता है फ्लो चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इसकी स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम आइस रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे क्या बोलते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम अब हम देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने ऐसा कंसीडर कर लिया सपोज एग्जांपल्स के लिए सपोज हमारे पास एक वायर है इलेक्ट्रिक वायर और उस वायर में हमने एक करंट फ्लो कराया दिस इज आई वन और इस आई वन की वैल्यू हमने ऐसे कंसीडर कर लिया फाइव एम इट मींस हमारे पास एक वायर इस वायर में हमने फाइव एम करेंट फ्लो कराया हमारे पास एक अदर वायर है और ये वायर हमने ऐसे अदर वायर एक है और उसमें हमने क्या किया उसमें भी हमने थ्री एम को आई टू की वैल्यू को थ्री एम 3 थ्री करंट 3 को फ्लो कराया और दोनों को हमने क्या किया दोनों को एक दूसरे से कंबाइन कर दिया तो जो हमारा नेट होगा हमने एक तीसरा यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया और हमें चेक करना है कि इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है तो इस वायर में जब हमने करंट देखा तो इधर से फाइव एक वायर में फाइव एम का करंट था इधर से थ्री एम का तो हमने इसमें चेक किया करंट कितना फ्लो हो रहा है तो ये हमारा फाइव एंड थ्री एट एम करंट फ्लो ऐसा हमें प्रैक्टिकली हमने ऐसा एक्सपीरियंस करके आप भी चेक कर सकते हो आपके पास एक डिवाइस है आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उस डिवाइस का नाम होता है अमीटर और अमीटर आपके प्रैक्टिकल में भी यूज होता है अमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरीके से आप कम्बिनेशन से करंट को चेक कर सकते हो अब ये जो हमारा करंट हुआ एट एम इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट इज अस्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वान्टिटी बिकॉज क्यू स्केलर क्वान्टिटी बिकॉज इट फ्लो सॉरी इट फॉलोज एडिशन बिकॉज इट फॉलोज द एडिशन लॉज ऑफ स्केलर स्केलर क्वांटिटीज एंड नॉट नॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इट मीन स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के लॉ को क्योंकि स्केलर हमने पढ़ा था कि फाइव थ्री एड करते हैं बट अगर हम वेक्टर की बात करें दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है इसका डायरेक्शन इधर इसका डायरेक्शन इधर इट मीनस नेट फोर्स कितना नेट करंट कितना होना चाहिए फाइव इधर से थ्री इधर से टू होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता इसमें एट हो जाता है इट मीस से क्या है स्केलर क्वांटिटी है राइट नेक्स्ट हेडिंग करंट डेंसिटी करेंट डेंसिटी नाम से ही क्लियर है करंट डेंसिटी मीन्स कि किसी पार्टिकुलर एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द करेंट डेंसिटी और इसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे इट मीन्स सपोज हमारे पास एक वायर है एंड इस वायर से हमें क्या करना है करंट को अगर हम फ्लो करा रहे हैं करंट आई को फ्लो करा रहा है तो इसका अगर मैं एरिया पूछूं एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो तो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारे पास ये वायर है तो इस वायर का जो ये वाला एरिया होगा ये एरिया को हम क्या बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से कहीं से भी अगर हम कट करेंगे तो वो जो पार्टिकुलर एरिया बनेगा ये अब हमारे पास जो होगा ये क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा दिस विल बी क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा बाहर के साइड में तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है दिस इज द करंट डेंसिटी इट मींस करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसे करंट डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इट इज अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द करेंट डेंसिटी बट अगर सेम कंडीशन हमने ये तो हमारे पास करंट ऐसे पूरा का पूरा सीधे फ्लो हो रहा था तो फिर हमने बोल दिया बट सेम वायर में अगर हम ऐसे बात करें कि हमारे पास ये जो एरिया वेक्टर है ये पूरे में से करंट फ्लो ना होकर थोड़ा सा किसी एंगल पे एरिया वेक्टर अगर बेंड है ये सिर्फ इतने से ही फ्लो हो रहा है उस कंडीशन हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये थीटा एंगल पे एरिया वेक्टर है या फिर हम ऐसे बोल देंगे कि परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर क्योंकि ये पूरा तो फ्लो हो नहीं रहा तो हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए काश थीटा इट मीन्स कि करंट कितना फ्लो हो रहा है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस ठीटा तो इसे हम कितना लिख सकते हैं आईज इक्वल टू जे इंटू ए कॉस्टिटा जे डॉट ए कॉस्टिटा इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं या फिर हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं आईज इक्वल टू जे वेक्टर ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी जे इन एरिया वेक्टर ठीक है ना ये हमें दो फॉर्मुला याद रखने हैं करंट डेंसिटी क्या होता है इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ यूनिट एरिया यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो रहा दिस इज द करंट डेंसिटी और इसकी जो यूनिट होगी यूनिट मीन्स इसका जो यूनिट होगा करंट की यूनिट एम्पियर एंड एरिया अपॉन एरिया एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिस विल बी द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एंड नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ करेंट टाइप्स ऑफ करेंट और ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ करंट पे हम आपको बताएंगे कौन सी करंट को हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं और कौन सी करंट को हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ करंट मींस करंट कितने टाइप्स के होते हैं तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट डीसी जिसे आप बोलते हो डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट मीन्स इसे हम स्टडी करेंट भी बोलते हैं स्टडी करेंट और इसे हम सिंपली क्या बोलेंगे हमेशा डीसी के नाम से जानेंगे डीसी जब भी हम बोलेंगे तो आप समझ जाना डायरेक्ट करेंट डीसी डीसी मीन्सेंट्स की एक ऐसा करेंट और करेंट विच मैग्नीट्यूड रिमेन कॉन्स्टेंट इट मीन्स की एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है फाइव एम और आफ्टर फाइव मिनट्स बाद ही फाइव एम ही फ्लो हो रहा है टेन मिनट्स बाद ही फाइव एम ही फ्लो हो रहा है इट मीन्स की जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है ये आपका फिक्स है यहाँ पे अगर आयु को हम लिख दें फिक्स है टू एम पियर फाइव एम इट मीनस ये क्या है डायरेक्ट करेंट इट इज टाइप्स ऑफ करेंट इन विच मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट करेंट वेरी सिंपल एंड आपका एक और भी होता है जैसे हम बात करें सेकेंड का सेकेंड टाइप जो होता है होता है वेरिएबल वेरिएबल करेंट तो इस पूरे यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट की बात करेंगे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक से सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल से हम क्या करते हैं जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हम जब भी हम इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो होता है ये डायरेक्ट करंट फ्लो होता है बैटरी से डायरेक्ट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एवरी वायर में वो क्या होता है सेम होता है इन्वर्टर का जो हमारा करंट होता है बैटरी का जो होता है ये सब क्या होते हैं डायरेक्ट करंट में आ जाते हैं बट जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से वायर आते हैं वो हमारा होता है इनडायरेक्ट करेंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट के नाम से उसे हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक यूनिट है यूनिट नंबर सिक्स सॉरी यूनिट नंबर सेवन इसे हम डिटेल में पूरा एक यूनिट से पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट करेंट के बारे में डिस्कस करने वाले डायरेक्ट करेंट मीस अ करेंट विच मैग्नीट्यूड रिमेन कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द डायरेक्ट करेंट एंड वॉट विल यू द वेरिएबल करेंट वेरिएबल करंट नेम से ही क्लियर है वेरिएबल मीन्स जिसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ वेरी करते रहे इस तरीके से कुछ जैसे हमारे पास एक वायर है और इस वायर में हमने क्या किया अभी फाइव मिनट्स बाद चेक किया तो टू एम्पियर करंट आफ्टर टेन मिनट्स चेक किया तो एट एम करंट फिर दो मिनट बाद चेक किया तो थ्री एम हो गया इट मीन्स जिसमें करंट वेरी करे दिस इज द वेरिएबल करंट तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज द टाइम दिस इज करेंट आई एंड द थर्ड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस करंट मींस इस्टेंस कि एक ऐसा करंट इट इज अ टाइप्स ऑफ करंट जिसमें हमें इंस्टेंट जैसे हमने एक कैपेसिटर का एग्जांपल लिया था कैपेसिटर में क्या होता था कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करें तो बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाता है या कैपेसिटर को बहुत जल्दी चार्ज भी होता है इट मीन जो उसमें करंट फ्लो होता है वो बहुत ही इंस्टेंट होता है तो जहाँ पे करंट अगर इंस्टेंट फॉलो हो रहा है इंस्टेंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, और इसका एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके एंड वो टाइप्स अल्टरनेटिव सॉरी अल्टरनेटिंग करेंट जैसे हम ए के नाम से जानते हैं अल्टरनेटिंग मीन स्टेंट्स कि जिसका मैग्नीट्यूड जैसे हमारे पास एक वायर है और इस वायर में हमने अमीटर से चेक कर रहे हैं तो हमें थ्री एम करंट मिल रहा है फिर हमें जीरो मिल रहा है दो मिनट बाद फिर हम चेक कर रहे हैं तो थ्री एम मिल रहा है फिर जीरो मिल रहा है इट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन एक पार्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड जिसका चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करें इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एंड अल्टरनेटिंग एन अल्टरनेटिंग करेंट इज वन हुज मैग्नीट्यूड हुज मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूअस्ली हुज़ मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूअसली चेंजेज हुज़ मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूअस्ली चेंजेज विथ टाइम and direction changes periodically. Direction changes periodically due to technical region. Due to technical regions we produce alternating करेंट डेट हैव साइन बे फॉल ये पूरा एक यूनिट है उस यूनिट में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसी को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करेंट मीनस इंस्टीडेंट ये पीरियॉडिकली चेंजेज मैग्नीट्यूड चेंजेज कुछ समझ में आया मैं इसे बताता हूँ अगर हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग करंट है सपोज ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है और यहाँ से हमने दो वायर हमारे घर में जो भी आए हुए हैं उन दोनों वायर से हमने एक बल्ब जला रखा इस तरीके से अब हुआ क्या ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यहाँ से हमें करंट अल्टरनेटिंग अगर फ्लो हो रहा है तो हम इसे क्या देखेंगे कि ये जो करंट है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ्टर हर एक टाइम के एक फिक्स इंटरवल के बाद एक टाइम के बाद ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और एवरी टाइम जैसे वन सेकेंड के बाद ये क्या हो रहा है पोलर्टीज की चेंज हो रही है कभी करंट इधर से लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है दिस डायरेक्शन में और कभी करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है मतलब एवरी वन सेकेंड में पोलर्टी क्या हो रही है चेंज हो रही है ये इसके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा जो हम अल्टरनेटिंग करंट वाले यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो भी क्या होता है उसकी फ्रिक्वेंसी फिफ्टी होती है और वो आपके पास वन सेकेंड में फिफ्टी टाइम्स जलता है बुझता है क्योंकि उसकी पोलिटी क्या होती है चेंज होती रहती है कभी करंट इसका डायरेक्शन इधर होगा कभी डायरेक्शन इधर होगा मीन्स कभी पॉजिटिव ये हो जाएगा ये नेगेटिव ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव इस तरीके से इसके पोलरिटी चेंज होते रहते हैं दिस इज द कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट मीन्स अ करंट विच मैग्नीट्यूड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स पोलिटी और इट्स डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन इज चेंजेलीटिंग करेंट और ये साइन बे फॉर्म को फॉलो करता है साइन बे फॉर्म क्या होता है स्टैंड साइन बे फॉर्म मीन्स कि ये कुछ साइनोसाइडल को फॉलो करता है इट मीन्स की इसका एक फिक्स टाइम में मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड इसे हम एम्पलीटूड बोलते हैं और ये हमारे पास जीरो फिर उसी जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा उतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगा इस तरीके के ग्राफ को ये फॉलो करता है इसे हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा पार्ट डायरेक्ट करंट डीसी के बारे में तो डीसी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज या फिर चार्ज कैरियर के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट अब ये चार्ज कैरियर क्या होता है वट इज अ चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर मीन्स स्टेंट्स चार्ज कैरियर आर द पार्टिकल्स विच पार्टिकल्स चार्ज कैरियर आर द पार्टिकल्स विच कैरी विच कैरी चार्ज एंड मूव एंड मूव ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एक ऐसे पार्टिकल जो जिसके पास चार्ज हो और जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो उसमें फ्लो करें उसे क्या बोलते हैं चार्ज कैरियर जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में कौन फ्लो होता है चार्ज कैरियर के रूप में, मे में तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स मीन जैसे हमारे पास कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स अगर है तो उसमें केटाइन केटाइंस और एनाइंस फ्लो होते हैं केटाइंस एंड एनाइंस क्या होते हैं चार्ज कैरियर की तरह हम अगर गैस की बात करें सॉरी गै, गैसेस तो गैस के लिए क्या होते हैं और इंसुलेटर और इसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता नो चार्ज कैरियर नो चार्ज कैरियर इट मीन्स कि अगर आप किसी गैस में करंट को फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा तो एवरी कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है या मेटल है तो उसके पास चार्ज कैरियर होना चाहिए अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट्स है तो किटैन या फिर एन तभी उसमें करंट फ्लो होगा मेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं बच्चों जैसे कि हमारा फर्स्ट नरिकल्स है एक एग्जाम्पल्स देखते हैं ईच सेकेंड टेन टू द पावर सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एकर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर अटैच टू द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कैलकुलेट द मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर हमें यहाँ पे करंट का मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछ रहे हैं हमें पता है आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थी ओ फोन एंड करेंट जो होता है वो चार्ज क्या होता है चार्ज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हमने बताया था मेटल्स में जो चार्ज फ्लो होता है चार्ज कैरियर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू ई ऑफॉन में टी और एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बताया गया कितना है टेन टू दावर सेवनटीन इंटू इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जो आपको हमेशा याद रखना है अपॉन में टाइम टाइम ताइं। मीन्स कितने सेकेंड में पूछ रहा है ईच सेकेंड ईच सेकेंड मीन्स वन सेकेंड वन सेकेंड में कितना फ्लो हो जाएगा तो हम यहाँ पे वन रख देंगे और जिसे हम देखेंगे पॉर माइनस टू एमपियर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं और सिक्सटी वाट लाइट बल्ब हैज ऑफ पासिंग थ्रू इट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बल्ब एंड सेकेंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास द क्रॉस सेक्शन इन वन आवर तो इसमें भी क्या पूछ रहा है करंट की वैल्यू पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन चार्ज की वैल्यू एन इंटू अपॉन में टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एन की वैल्यू पूछ रहा है सो so, हम यहां पे एन की वैल्यू कितना लिख सकते हैं विल इक्वल टू अपॉन में e. I की वैल्यू कितना है तो करंट कितना फ्लोर है पॉइंट फाइव एम्पियर यूनिट देखते हम पहचानेंगे पहचाने की वैल्यू इन वन सेकेंड पॉइंट फाइव एमपियर पासिंग थ्रू इट कितने सेकंड में वन सेकंड में इन वन सेकंड अपॉन में टी सॉरी अपॉन में ई मीज इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन और इसे हम सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा थ्री पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा अब यह है अब यही सेम क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट पास डेट द क्रॉस सेक्शन इन वन आवर वन आवर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे इसके लिए हम क्या करेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या पता आई इन टू टी आई मीज पॉइंट फाइव दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट पास टू द क्रॉस सेक्शन इन वन आवर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है तो क्यूज इक्वल टू आई इन टू टी आई की वैल्यू पॉइंट फाइव टी मीन वन आवर वन आवर मीन सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड दिस विल इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू पॉइंट फाइव एटीन हंड्रेड गुलाम द यूनिट ऑफ चार्ज इज गुलाम और मैं पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई क्योंकि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्यूज इक्वल टू एन ई सो एन विल इक्वल टू क्यू ऑफ ई इट मीन्स एटीन हंड्रेड ऑफोन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन और ये कितना जाएगा वन पॉइंट वन ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स तो आज की क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स के टाइप्स को देखा और इलेक्ट्रिक करंट्स के एक दो न्यूमेरिकल्स को देखा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट प्लास्टिक और रे, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम स्लॉ हम पढ़ेंगे ओम लॉ को प्रूव करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच